दोस्तों, बहुत दुख की बात है और मैं इस समय आपको कारण बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कारण क्या है इसके पीछे का। कारण मैं ये बता रहा हूँ कि हमें एक एफिडेविट के लिए बोला गया था और एक शपथ जो है ना, ओथ, वो उसमें नहीं टिक लगाया उन्होंने कि इसने आपने शपथ नहीं ली है। जब हम बाहर निकले, वकील साहब ने देखा कि इसमें शपथ का लगाया हुआ है और इसमें एफिडेविट का लगाया है। तुरंत हम गए, हम अपडेट नहीं कर पाए रात को 9-9:15 बजे तक कि हमारा नॉमिनेशन हो गया है। लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे, कॉल्स आ रहे थे। हमने सबसे पहले एफिडेविट बनवाया है क्योंकि उस जो स्लिप हमें दी गई उस पर टाइम लिखा हुआ था कि 14 मई को आप 11:59 तक आप एफिडेविट जमा करवा दीजिए। हम वहाँ पर DM ऑफिस में रात को 10 बजे पहुँच गए थे। ये आप सबसे पहले वो स्लिप देख लीजिए, ये वो स्लिप है जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि 14 मई को 11:59 तक आप दे सकते हैं। हम वहाँ पे 10 बजे पहुँच गए थे। हमने संपर्क किया, वहाँ पे जो है DM साहब थे नहीं, तो जिन्होंने साइन किया था वो थे। उन्होंने बोला कि आप सुबह आइए, अभी इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, आप सुबह आइए। तो हम वहाँ पे इंतज़ार करते रहे। अब ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वहाँ पे बनाया हुआ है और लगभग ये 10 बजे के करीब का वीडियो है। आप ये वीडियो देख लीजिए। हाँ, DM साहब आ जाते हैं, DM साहब से बात कर लेते हैं। तो सर कुछ तो होना चाहिए ना कि 9 बजे यहाँ पे 10 बजे आए थे, कुछ तो होना चाहिए ना। मैं तो उधर कर रहा हूँ सर, आप इधर हट जाओगे तो मैं इधर की कर लूँगा, ऑफिस की कर लूँगा। एक बार फोन का एक बार बटन दबाइए, लोक वाला टाइम डेट देख लेते हैं। टाइमिंग वाला वो कर लीजिए, ये टाइमिंग तो आता है ना एडजस्ट। हाँ आ जाता है अपने आप, लेकिन इसमें फिर भी दिखा देते हैं। DM को फोन मिलाने में नहीं हो पा रही, वो नहीं, वो आ ही नहीं रहा ना। इस वीडियो में आपको साफ दिख रहा है कि हम डॉक्यूमेंट लेके पहुंच गए हैं और वहां के अधिकारी जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि सुबह आओ आप। उसके बावजूद हमने वहां पे इंतज़ार किया है DM साहब का, DM साहब आए हैं और उनको हमने जब कहा है कि सर हम एफिडेविट लेके आ गए हैं टाइम से पहले, उन्होंने बोला तुम आप पिकनिक पे आए हो, यहाँ पर रात को घूम रहे हो, पिकनिक है ये, पिकनिक स्पॉट बना रखा है इसको, निकलो इधर से। तो हमने कहा सर आपने टाइम लिखा इसलिए आए हैं हम कोई दिन भर से यहाँ पे खड़े हुए हैं, शाम को यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी हम शाम को आते फिरेंगे यहाँ पे। तो पुलिस वालों की तरफ देखा, अधिकारियों की तरफ, और बोला कि तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा मैं, निकालो इनको बाहर। अब ये बात बोली तो इतना तो हम भी समझते हैं कि अब क्या यहाँ पे लेंगे डॉक्यूमेंट कि नहीं लेंगे। वहां से हम आ गए और अब मैं ऑनलाइन ये अपडेट देख रहा हूँ कि उन्होंने अपडेट का डाला हुआ है कि एफिडेविट नोट रिसीव्ड, 55 मिनट का उन्होंने कुछ डाला है कि एफिडेविट नहीं मिला। अब ये सबूत आपने देख लिए, हम वहाँ पे पहुँच गए थे, सब पहुँच गए थे। अब जो है ना ये एफिडेविट का बहाना चलेगा नहीं। आज मुझे एफिडेविट का उन्होंने बोला तो मैंने कहा सर हम रात को आए तो थे, बोले आप बहस मत कीजिए, वो कोई टाइम नहीं था आने का। मैंने कहा सर आपने टाइम लिखा है, बोले 3 बजे तक का टाइम होता है 14 तारीख को। मैंने कहा आपने क्यों लिखा है, आपने तो 5 बजे तो मेरे से नॉमिनेशन लिया है ना, तो आप 3 बजे का कैसे टाइम दे सकते हैं 2 घंटे पहले का। तो उन्होंने बोला कि आपने शपथ भी नहीं ली। मैंने कहा सर मैंने शपथ ली तो है, अभी जो आपने जो बोला है वो सब कुछ किया है तो शपथ ली है मैंने, मुझे थोड़ी पता है शपथ कैसे ली जाती है, आपने कहीं साइन करवाया मैंने कर दिया। बोले शपथ आपने नहीं ली है। मैंने कहा सर आप मुझे बताएंगे तो मैं ले लेता, मैं मना थोड़ी करता शपथ के लिए। कुल मिलाकर के उन्होंने ये बता दिया कि आप बहस मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से। और वहाँ से हम भारत माता की जय के नारे लगाते हुए बाहर निकले और धन्यवाद किया DM साहब का और बाकियों का, और हम वहाँ से आ गए। उसके बाद मीडिया बाइट दी है जो आप सबने देखी है। अब जो मुझसे कारण पूछ रहे हैं तो इसके पीछे का यही कारण है। अब आप तय कर लीजिए कि हमारे डॉक्यूमेंट कम थे या क्या चीज़ें कम थी या कुछ गलत था, तो वो सुधार किया जा सकता है, उसमें समय मिलता है। हमने विद इन समय के अंदर वहाँ पे प्रोवाइड करवाए डॉक्यूमेंट, लेकिन कोई रिसीव करने वाला नहीं था और उसको एक पिकनिक स्पॉट हमारे लिए बना करके उन्होंने डांट के भगा दिया। ये सच्चाई है, रात का वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ इसीलिए किया हुआ है कि मुझे पता था कि ये होगा इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया। तो अब आप सब देख चुके हैं, मेरी सबसे निवेदन है, मेरे शुभचिंतक है, मैं गुस्से में भी हूँ, दुख में भी हूँ, इसलिए मुझसे कुछ भी अगर आपसे मेरी किसी का फ़ोन आए और थोड़ी सी गुस्से में या किसी भी तरीके से बात हो जाए तो मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा। मैं उस हालत में नहीं हूँ जैसा मैं पहले था। मेरा आपसे निवेदन है कि एटलीस्ट 1 दिन 24 घंटे मुझे दीजिए,
मुझे कॉल मत कीजिए, मैं जो भी अपडेट होगा जैसे ये वीडियो डाला है मैं वैसे ही डालता रहूँगा। मुझे सबने सहयोग दिया है, आगे भी आपका सहयोग चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।